हरियाणा गौशाला संघ ने राज्य सरकार पर उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। रविवार को पानीपत में गौशाला संघ की राज्य स्तरीय बैठक में पूरे राज्य के प्रतिनिधि शामिल हुए और गौशालाओं के सामने उत्पन्न समस्याओं पर चर्चा की। बैठक में फैसला लिया गया कि अगर लोकसभा चुनाव के बाद उनकी मांगे नहीं मानी गईं, तो गौशालाओं के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। मैं पहले ये बता दूं, मेरा नाम कुलवीर खरब है और मैं इस जो आज ये बैठक हो रही है, इसके संगठन का नाम है गौशाला महासंघ हरियाणा। ये हरियाणा की सभी गौशालाओं का एक यूनिटी है, एक बड़ा संगठन है। सभी की बार बार ये हर जिले से, हर गौशाला से बार बार ये मांग आ रही थी कि भाई सरकार ने जो पॉलिसीज बनाई, पॉलिसी के अकॉर्डिंग सरकार काम नहीं कर रही। सरकार ने पीछे पॉलिसी बनाई कि भाई 400 करोड़ का 456 करोड़ रुपया सरकार गौ सेवा पर खर्च करेगी और खर्च हुआ कुल 80 करोड़, यानी रुपए में से 17.5 पैसे सरकार ने खर्च कराया। और सरकार कहती कि बेसारा गौवंश को गौशालाओं में लिया जाए, उसके लिए फिर सरकार एक नई पॉलिसी बना देती है भाई जो गौवंश गौशाला में जाएगा 2 साल से छोटे का 20 रुपये देंगे, गाय का 30 रुपये देंगे और नंदी का 40 रुपये देंगे। लेकिन सरकार ने वो पॉलिसी बना करके इम्प्लीमेंट में नहीं लेकर के आई। जनवरी महीने से ये पॉलिसी इन्होंने लागू कर दी। हमारे अपने यहाँ पानीपत के अंदर की मैं अगर बात करूँ, ओवरऑल स्टेट की भी मैं बता सकता हूँ, भिवाणी में, हिसार में, पानीपत में, भिवाणी में 1300 गौवंश लिया गौशाला ने, श्री गौशाला ने, एक पैसा वहाँ नहीं गया। हिसार में, डंडूर में राजेंद्र गावड़िया जी ने 1000 गौवंश लिया, एक पैसा वहाँ नहीं गया। पानीपत के अंदर नैन गौशाला में राजरूप पानू जी जहाँ अध्यक्ष हैं नैन गो बहने के, इन्होंने तकरीबन 850 गौवंश लिया, एक पैसा इनको नहीं मिला। तो सरकार ऐसी पॉलिसी क्यों बना रही है कि भी जो पॉलिसी इंप्लीमेंट में ना लाई जा सके, ये सरकार की पॉलिसी के प्रति रोष है गौभक्तों के अंदर। उससे पहले एक पॉलिसी लेके आई थी कि भी जो गौचरान जमीन है वो गौशालाओं को गौ सेवा के लिए दी जाओगी। जैसे पॉलिसी बनाई कि भाई 100 गौवंश पे अगर गौशाला निर्माण का कार्य करते हैं तो 1.25 एकड़ जमीन दी जाएगी और चारा बिजाए के लिए 1.5 एकड़ जमीन दी जाएगी। लेकिन उसकी फॉर्मेलिटी इतनी लंबी चौड़ी बना दी कि वो पहले आम सभा में पास होगा, ग्राम सभा में, फिर वो पंचायत में पास होगा, फिर BDPO को जाओगा, फिर DDPO को जाओगा, फिर DC को जाओगा, DC के मार्फत वो फिर डायरेक्टर पंचायत को जाएगा, डायरेक्टर पंचायत उसको कैबिनेट में भेजेगा। तो ये प्रोसेस इतना लेंथी है। ये 2015 में कभी सरकार ने बनाया था और आज तक एक भी गौशाला को 1 इंच जगह नहीं मिली। तो सरकार जो इस तरह की पॉलिसियां बना रही है, इन पॉलिसियों के अगेंस्ट, इन पॉलिसियों के विरोध में आज ये गौशाला महासंघ ने गौशाला प्रतिनिधियों को बुला करके, मीडिया को बुला करके, मीडिया के समक्ष ये बात रखने के लिए, बात करने के लिए आज ये बैठक बुलाई गई। अभी 31 मार्च को अभी जो नवनियुक्त हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी हैं, उन्होंने मंच से कहा कि भी भूतपूर्व मुख्यमंत्री जी ने बजट 400 करोड़ कर दिया और गायों को चारे की व्यवस्था कर दी, सड़कों की व्यवस्था कर दी। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि माननीय मुख्यमंत्री जी को जिस किसी ने भी ये सूचना दी कि भाई 40 का 400 करोड़ हो गया, उन्होंने साथ में ये भी बताना चाहिए था कि इस 400 में से सिर्फ 80 करोड़ रुपया ही खर्च हुआ, यानी 17.5 पैसे खर्च हुआ। तो इस तरह से ऐसी पॉलिसी ना बनावें और इस तरह का प्रचार ना करें कि जो दानदाता लोग हैं जिन्होंने डोनेशन देना है, अब गौशाला वाले जाते हैं, हम भी जाते हैं मांगने के लिए कि भी गाय के लिए डोनेशन दे दो, तो सामने से जवाब आता है भाई सरकार ने 456 करोड़ दे दिया, अब भी आप मांगते घूम रहे हो, सरकार ने सारी जिम्मेदारी ले ली, अब भी आप मांग रहे हो। तो सरकार ने खुद भी नहीं दिया और दानदाता को भी रोक दिया। तो इस तरह का काम ना करे सरकार। और अब जो मांग है, बिल्कुल सीधी सी एक मांग है कि जो बजट पिछला था 31 मार्च तक का जो बजट था, वो फरवरी महीने में 2023 में माननीय मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री जी रहे मनोहर लाल खट्टर जी भूतपूर्व, उन्होंने अनाउंस किया था और वो था 31 मार्च 2024 तक का। अब वो पैसा लैप्स हो गया, अब कह रहे हैं अगला बजट कर दिया 510 करोड़ का। इसको फिगर को ना बढ़ावें, इस फिगर को इम्प्लीमेंट में ला दें, सिर्फ इतना सा कहना है हमारा, ताकि बेसारा गौवंश सड़कों पर ना रहे, इनकी अच्छी सेवा हो और प्रदेश का नाम भी पूरे देश में जावे और अदर स्टेट भी इस हरियाणा को फॉलो करें कि भी जैसे हरियाणा के अंदर गौ सेवा का काम चल रहा है, सरकार और समाज मिलकर कितना अच्छा तालमेल से काम कर रही है, ये पूरा देश इस चीज़ को देखे और इस चीज़ को इम्प्लीमेंट में लावे, इतना सा कहना हमारा। कब तक इम्प्लीमेंट का आप मांग कर रहे हैं और अगर इम्प्लीमेंट नहीं होता तो आगे कोई बड़ा कदम भी आप उठा सकते हैं? अभी सरकार के पास समय है, आचार संहिता की कोई बात नहीं है, पैसा डिप्टी डायरेक्टर्स के अकाउंट में भेज दिया था, आयोग के पास पैसा आया हुआ है, सरकार खर्च करना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी खर्च कर दे, अदरवाइज इलेक्शन के तुरंत बाद जो पार्लियामेंट के इलेक्शन, MP इलेक्शन है जो लोकसभा का, इसके तुरंत बाद सरकार
हरियाणा विधानसभा से पहले पहले इस पैसे को खर्च करके एक आदर्श स्थापित करने का काम करे, अदरवाइज गौशालाएँ मजबूर हैं। ये ना हो कि भाई जो बेसारा गोवंश को अंदर लेने वाली बात थी और गौशालाएँ इकट्ठे होकर मीटिंग करके ये तय कर लें कि भाई जो मेल है, जो सांड है, नंदी है, कम से कम उनके बाड़े तो खोल दें। इस तरह के निर्णय लेने पर सरकार गौशालाओं को मजबूर ना करें, ये संदेश हमारा। अपना परिचय। मेरा नाम कुलवीर खरब है। मैं 2013 से 22 तक हरियाणा सरकार में गौ सेवा का मेंबर रहा और भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड का भी मैं मानद सदस्य रहा हूं और अभी मैं इस गौशाला महासंघ का कोऑर्डिनेटर संयोजक के नाते सेवा दे रहा हूं। बता दें कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी गौ सेवा के मुद्दे पर काफी आक्रामक रही है। बीजेपी शासित राज्यों में गौ हत्या को रोकने के लिए बने कठोर कानूनों की आलोचना भी होती रहती है। ऐसे में हरियाणा में गौशाला संघ की नाराजगी को पार्टी कितनी गंभीरता से लेती है, ये देखने वाली बात होगी। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।